स्टूडेंट वेलकम बैक टू 360 ज्ञान। स्टूडेंट आपको आज की इस वीडियो में कक्षा 3 के गणित विषय की मार्च माह की वर्कशीट के आंसर आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने आपकी गणित सब्जेक्ट की मार्च माह की वर्कशीट को ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले आपको विद्यार्थी का नाम आ जाएगा, उसके बाद आपके पिता का नाम आएगा, यहाँ पर आपको साला का नाम भर देना है और यहाँ पर आपको कक्षा 3 लिख देना है। अब हम देख लेते हैं कि परीक्षा में आपके किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं जो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर पहला सवाल है कि चित्रों को देखकर बताइए कि सबसे हल्की वस्तु कौन सी है। तो पहले नंबर पे आपको एक फुटबॉल दी गई है, दूसरे पे एक पेंसिल दी गई है, तीसरे पे यहाँ पर आपको एक मोर पंख दिया गया और आप चौथे पे आपको डी दिया गया है। तो जो सबसे हल्का है दोस्तों वे आपका सी वाला यानी मोर पंख है, तो इसका आपको आंसर आपको सी लिख देना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो प्रश्न नंबर 2 है जिसमें पूछा गया है कि दिए गए चित्र में पेंसिल की लंबाई कितनी सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो पेंसिल है वह यहाँ पर 14 सेंटीमीटर तक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा वह 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से 14 सेंटीमीटर लिख देना है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर जिसमें पूछा गया है कि खाली डिब्बे में कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आपका दिया गया है 8 + 6 तो इक्वल टू 14, तो इसका आंसर आपको 14 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। तो आप सभी को पता है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सी आकृति त्रिकोण है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो डी वाला है वह डी वाला आंसर आपका सही है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, तो नीचे प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि अनुमान लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए एक कैंचुओं की लंबाई। तो यहाँ पर 10 से 15 सेंटीमीटर एक कैंचुए की लंबाई होती है स्टूडेंट। उसके बाद आता है आपका दूसरा वाला, आपकी लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी आपकी जो लंबाई है उसको यहाँ पर आपको फिल कर देना, मतलब जितनी भी लंबाई है आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आती है यहाँ पर आपका थर्ड वाला, आपकी उंगली की नाखून की चौड़ाई मिलीमीटर है। तो आपका जो नाखून होता है दोस्तों भाई कितने मिलीमीटर का है उसको यहाँ पर आपको यहाँ पर भर देना है, जितना भी आपका हो उसका यहाँ पर आपको आंसर लिख देना है। उसके बाद आता है आपका फोर्थ वाला, साड़ी की लंबाई कितनी होती है। यहाँ पर दोस्तों करीबन 5.5 मीटर इसकी साड़ी की लंबाई होती है, तो इस तरीके से आपको उसमें भर देना है। उसके बाद आता है यहाँ पर 5 नंबर का खाली स्थान जिसमें पूछा गया है कि आपके घर से आपके स्कूल की दूरी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपके घर से आपके स्कूल की दूरी कितनी है। बहुत से स्टूडेंट की दूरी यहाँ पर घर से स्कूल की 1 किलोमीटर भी होती है, आधा किलोमीटर भी होती है, 2 किलोमीटर भी होती है, 3 किलोमीटर भी होती है, 4 किलोमीटर भी होती है। तो आपकी जितनी भी दूरी है आपके घर से आपके स्कूल की आपको उसको यहाँ पर लिख देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इन सभी का आंसर अपने अकॉर्डिंग ही लिखना है, जैसे आपकी लंबाई वाला हुआ, आपके नाखून की चौड़ाई कितनी है इसका आंसर, और आपके घर से आपके स्कूल की दूरी, इनको आपको यहाँ पर खुद से हल करना है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पर आपको दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ पर आपको एक बुक दी है जो 30 रुपये की है, एक पेंसिल दी है जो 5 रुपये की है, और एक पेंसिल कटर दिया है जो 3 रुपये का, और एक टॉफ़ी दी है जो 2 रुपये की है। तो यहाँ पर एक पहला सवाल है कि एक कॉपी और एक पेंसिल का मूल, तो यहाँ पर आपको इसका और इसका यहाँ पर इसका और इसका यहाँ पर आपको कैलकुलेट कर देना है। तो टोटल आपको इस तरीके से यहाँ पर इन सभी के आंसर लिख देना है। तो आप इसको यहाँ आंसर लिखने के लिए वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पोस्ट करके इनका आंसर लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो 4 में पूछा गया है कि निम्नांकित चित्र में गोला एवं त्रिकोण की आकृति का चित्र गिनकर लिखिए। तो यहाँ पर कितने गोले, यहाँ पर आप देखेंगे कि 1, 2, 3 और यहाँ पर एक चौथा वाला दिया है। तो यहाँ पर आपका आंसर लिख दिया है 4 और त्रिकोण कितनी है 1, 2, 3, तो इसका आंसर आपको इस तरीके से 3 लिख देना है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर जिसमें पूछा गया है कि चित्रों को गिनकर खानों में लिखिए तथा कितने गुना है लिखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 टिड़ी हैं तो 3 लिख दिया, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इस तरीके से मैं 3 3 यहाँ पर लिख दिया क्योंकि टोटल यहाँ पर 3 है और इसका जो टोटल होगा वह आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बीच में आ जाएगा 3 का 3 गुना है क्योंकि 3 3 का 9, तो यहाँ पर आपको 3 इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो अगला वाला है उसमें आपको 4 4 स्टार इन तीनों में दिए हैं, तो इसका यहाँ पर टोटल हो जाएगा 12। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कितना गुना, तो 4 का 3 गुना, 4 × 12, 4 × 3 कितना होता है 12 हो जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका आंसर 4 लिख देना है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर जिसमें पूछा गया है कि है चार्ट अनुपस्थित बच्चों की संख्या को बताता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहली कक्षा में 3 बच्चे बताए गए हैं, दूसरी कक्षा में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4 और 5वीं में 5। तो अब इससे रिलेटेड हम प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि कक्षा 5 में कितने बच्चे अनुपस्थित हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि कक्षा 5 में टोटल 5 बच्चे जो हैं, तो 5ों बच्चे अनुपस्थित हैं, तो इस तरीके से आपका इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपके दूसरे वाले का भी आंसर मैंने लिख दिया है, तीसरे वाले का भी लिख दिया है, और उसके बाद आपके जो
चौथे वाला है जिसमें पूछा गया है कि सबसे कम बच्चे किस कक्षा में अनुपस्थित हैं, तो इसका आंसर आया कक्षा दूसरी में सबसे कम बच्चे अनुपस्थित हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि कक्षा एक से लेकर 5वीं तक कुल कितने बच्चे अनुपस्थित हैं, तो टोटल 17 बच्चे। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर 17 बच्चे लिख देना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको मैंने सारा कुछ आंसर आपके कक्षा 3 की गणित के मार्च माह की वर्कशीट के बता दिए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतनी ही कुछ जानकारी थी, आई होप आपको यह जानकारी पसंद आई है। जानकारी पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।